नमस्कार, मैं सुनील चौरसिया और आप देख रहे हैं अखिल भारत न्यूज। आज मेरे साथ हैं नितिन बालियान जो एक युवा किसान नेता हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं इस आंदोलन के बारे में। जिस तरह से आंदोलन में आप देख रहे हैं कि भीड़ भाड़ काफ़ी कम हो रही है, लोग पंचायतों में जा रहे हैं, जो मेन स्ट्रीम मीडिया ये बता रहा है कि किसान यहाँ से हट रहे हैं। सर, जिस तरह से आप लोगों पर यहाँ पर सब आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, कल की बात है, एक आपने देखा यहाँ पर कुछ बच्चों को पढ़ाते हैं, निर्देश सिंह ने ये आरोप लगाया कि राकेश टिकैत ने उनको यहाँ से बोला है कि आप यहाँ से हट जाएं, क्या कहना है इसके बारे में? देखो, ये तो पहले भी एक आरोप लगा, एक लड़की आती थी कोई पंडित करके, अच्छा। उसने भी थोड़ा सा मामला करा कि मैं रो दूंगी, मामला हाईलाइट हो जाएगा। हमें इस प्रकार के मामलों से कोई क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, हमारे भी आंदोलन चलते हैं। मैं पिछले 8 सालों से गोरक्षा का संगठन चला रहा हूँ और देशव्यापी ऐसा कोई मुद्दा नहीं है जिसमें हमारे में मुकदमे ना लगाओ, हमने उठाए ना हो। लेकिन फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर हम किसानों के लिए बिल वापसी की मांग को लेकर, MSP पर कानून की मांग को लेकर, और जो हमारे खेतों में इलेक्ट्रिसिटी पर मीटर लगा दिए, उन मांगों पर हम किसानों की बात कर रहे हैं। हम यहाँ अन्य कोई हमारी शादी कब करवा रहा, हम बच्चों के बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे, हम और कहीं जाकर उठाएंगे। जो हमारे अन्य देश के मामले हैं वे हम कहीं और जाकर उठाएंगे, यहाँ नहीं उठाएंगे। यहाँ जो इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उनका आरोप जो भी है लगाना सब बेकार है, ऐसा कुछ मामला ही नहीं है, निराधार है। हाँ भाई, एक बात बताओ, यहाँ हम कहीं के लिए बैठे, यहाँ नारे लगाए जाते हैं MSP पर कानून दो, तीनों बिल वापस लो, और हम यहाँ गरीब बच्चों को पढ़ाने का मामला, ये तो हम मेरठ में कर रहे थे, अगर हमें भी करना होता हम भी करते। और यहाँ इतनी समाज सेवी संस्था है, केवल भारतीय किसान यूनियन तो है नहीं, अन्य संगठन भी हैं, वे लोग भी अपने अपने आधार के रूप में अपने अपने शहरों में इस प्रकार के काम करते रहते हैं। लेकिन यहाँ आकर ये तो आप मान लो कि कुछ लोगों को, चुनिंदा लोग यहाँ से भी हैं जो मीडिया जीवी हैं, जिन्हें अपना चेहरा आगे लाना है, अपना फेमस होना है, तो उन लोगों से हमारे देखो कमेंट करना हमारी तो बात है नहीं कि हम उन पर कुछ कमेंट करें, जो वे कह रहे हो ना कहने दो। वे अगर ऐसे फेमस नहीं होंगे तो वे बड़े किसान नेता पे आरोप लगा के तो वे सोचेंगे ना कि हमारा तो उनका तो नाम लेना भी बेकार है, उनके बारे में जिक्र करना छोड़ दो। राकेश टिकैत के ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं केवल सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि उनको मीडिया अटेंशन दे। बिल्कुल आपने देखा नहीं कि अभी आपने देखा होगा, 1.5 हफ्ते की पहले की बात है, देश में बहुत बड़ा मजाक चला, यहाँ पे कुछ विधायक आता है, गुंडा आता है, और यहाँ पर किसानों के प्रति कुछ मामला करता है, इन्हें डकैत बताता है, खालिस्तानी बताता है। उसके बाद हमारे राकेश टिकैत जी के भावुक हो जाते हैं इन किसानों के मामले को लेकर, उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। उसके बाद देश में एक मजाक चला, हमारे प्रधानमंत्री जी रोते हैं, फिर उसके बाद गुलाम नबी आज़ाद रोते हैं। एक सेकंड केवल, जिस दिन आपने बोला राकेश टिकैत जी रोए हैं, उस दिन पता है आपको ट्विटर पर क्या ट्रेंड कर रहा था? बताओ। राकेश टिकैत मोदी डकैत, राकेश टिकैत मोदी डकैत, वही बता रहा हूं ना, कर रहा था, और 3 दिन तक नंबर 1 पर रहा ट्रेंडिंग पे। वो किस लिए रहा? क्योंकि देश का नौजवान और किसान राकेश टिकैत जी के साथ है, उन्हें पता है कि इस देश के किसान को इन काले कानूनों से क्या दिक्कत है। नरेंद्र मोदी जी भारत के प्रधानमंत्री है, लोकतांत्रिक देश है सबसे बड़ा, वे रोए हैं, किसी पर फर्क पड़ा है? बताओ हमारे देश के किसी एक व्यक्ति पर फर्क पड़ा हो कि नरेंद्र मोदी जी के रोने से किसी पर फर्क पड़ा? तो जो असली आंसू होते हैं, उसके बाद एक लड़की और है, उसने भी थोड़ा सा सोशल मीडिया पे आपने भी दिखाया होगा, मैं नाम तो किसी का लेना नहीं चाहता कोई फेमस हो, लेकिन फिर एक मजाक चला पूरे देश में, जिन लोगों को हाईलाइट होना था वे रोने की कतार में चले गए कि हम भी रो दे, क्या पता हम भी फेमस हो जाएं। तो ये ऐसे लोग हैं, इन पर चर्चा आप लोग जितनी कम करें इस किसान आंदोलन के लिए, किसान हित के लिए, उतना ही फायदेमंद है। जिस तरह कुछ किसानों ने अपने खेत को ट्रैक्टर चला दिया है, फसल खड़ी थी, राकेश टिकैत जी ने एक बयान दिया था कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम अपनी फसलों को जला देंगे, मिटा देंगे, क्या ये सही है देश के लिए? ये देश के लिए और छोटे किसानों के लिए ये गलत भी है। उसके बाद राकेश टिकैत जी ने कह भी दिया कि एक प्रतीकात्मक था, हमारा ये संदेश था अपने लोगों को कि अगर हमें फसल जलाने भी पड़ जाए तो जला दियो, क्योंकि फसल वैसे भी जलने वाली है। आप एक बात सपोज करो कि मैंने 10 बीघा गेहूँ बो लिए, और 10 बीघा गेहूँ के बोने के बाद मैं अगर मंडी में लेके जाता हूँ और कहीं लेके जाता हूँ, उसका भंडारण लोगों ने अनलिमिटेड कर लिया, सीमित कर लिया, तो भंडारण तो वो तो जब भी जलने वाला है, वो हमारा तो 10 रुपये किलो जाएगा, लेकिन आप लोग जो शहरों में रहते हो ना, वो 200 रुपये किलो आप खरीदोगे। आप समझो इस बात को। बिल्कुल समझ रहे हैं, लेकिन एक जिम्मेदार आदमी जिसकी वजह से आंदोलन दोबारा खड़ा हुआ, वो इस तरह का अगर गैर जिम्मेदाराना बयान देगा तो आपको लगता है क्या ये सही बात है? गैर जिम्मेदाराना नहीं, ये तो चौधरी चरण सिंह ने अपने समय में, जब हमारे बड़े बताते हैं हमारे बाबा, उस समय गन्ना 2 रुपये क्विंटल और जो उस पर पत्ती उतरती है 9 रुपये क्विंटल बिक्री थी, चौधरी चरण सिंह ने पूरे देश की चीनी समुद्र में बवा दी थी। तो ये हमारे टिकैत जी ने अपने किसानों को रोक भी लिया, और कई किसानों ने ऐसा करके भी दिखा दिया कि हम अपनी फसल बर्बाद कर देंगे, लेकिन इस देश के जो लोग हमें खालिस्तानी पाकिस्तानी आतंकवादी बताते हैं उन्हें एक दाना नहीं देंगे।
दाना देगा, क्या फायदा है? हमारे 10 रुपए किलो थे, फिर हमारे देश के लोग जो शहरों में रह रहे हैं, हमारे भाई रह रहे हैं, वे 10 रुपए किलो खरीद, ऐसा चाहता है क्या देश? ये गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं है। इस देश के जो हुक्मरान है वे समझ लें, अगर इस प्रकार के बिल वापस ना हुए तो पूरे देश का किसान इन्हें एक दाना नहीं देगा। आपने ताऊ क्या नाम छोटू राम जी के बारे में नहीं सुना क्या? जब छोटू राम जी किसानों का मुद्दा उठा रहे थे तो उस समय हमारे तिलहन और दलहन की फसलों पर रेट नहीं दिया जा रहा था। उन्होंने भी इसी प्रकार का बयान दिया था अपने किसानों को कि एक दाना इन्हें अंग्रेजों को और एक दाना इन्हें व्यापारी को मत देना। उस समय जाके किसानों की फसल के रेट बढ़े थे, तो ये बयान गैर जिम्मेदारान कैसे हो सकता है? जैसा अभी आपने बोला कि जो छोटे किसान हैं उनको फर्क पड़ेगा, तो अगर जिन छोटे किसानों ने इस तरह का अगर कोई भी कृत्य किया है तो उनका घर कैसे चलेगा पूरे साल? आपने बयान पूरा नहीं पढ़ा। इसका मतलब उन्होंने कहा था अपने घर के अपने खाने जोगर रख के और सारे जला दियो, किसान में फर्क नहीं पड़ रहा। किसान तो अपने घर जोगर रखेगा, अपने आप खावेगा। और जो ये लोग कह रहे हैं ना कि हम राष्ट्रवाद, जिन लोगों ने राष्ट्रवाद की परिभाषा ही बदल दी, हम राष्ट्रवाद में 100 रुपये पेट्रोल खरीद लेंगे और हम राष्ट्रवाद में 200 रुपये अट्टा वे काजा खरीद देंगे, वो हम इन्हें दिखाना चाहते हैं। यार राष्ट्रवाद की परिभाषा बदल दी इन लोगों ने। राष्ट्रवाद क्या होता था इन लोग पता देश में राष्ट्रवाद क्या है? आज इस देश में राष्ट्रवाद हुआ है जो भारतीय जनता पार्टी की चापलूसी करेगा, चाटुकारिता करेगा, उनके गलत नीतियों का समर्थन करेगा। आज इस देश में सिर्फ वो क्या नाम राष्ट्रवाद रह गया है। राष्ट्रवाद की परिभाषा इस देश में बदल दी। आपने अभी बात करी थी कि कोई रोता है तो फेमस होने के लिए रोता है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? देश में और भी मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, जो युवा से रिलेटेड मुद्दे, उस पर आवाज तो नहीं उठाई आपने? हम अभी गए थे, आज आपने देख नहीं रहा कि कई मिलियन में आज मोदी रोजगार दो का ट्रेंड चल रहा है। सुबह से हम और हमारी टीम ट्रेंड कर रही है और अभी हमारे साथी यहाँ है, कहाँ है सुमित? हम अभी मुखर्जी नगर से आए हैं और मुखर्जी नगर में आज बहुत बड़ा पैदल मार्च था, लेकिन हमारी देश की जो बताया ना तानाशाही सरकार है, उन लोगों ने COVID-19 की गाइडलाइंस का हवाला देते हुए वो बंद करा दी। तो ऐसा नहीं है कि हम देश में सिर्फ इसी मुद्दे पर लड़ रहे हैं, देश का प्रत्येक जो मुद्दा है, जहां लोग गलत नीतियां हो रही हैं, जहां लोगों को परेशानी है, जो इनके सरकार गलत नीतियां ला रही है उसका विरोध करना हमें हमारी जिम्मेदारी है। हमारा संविधान हमें हक देता है कि हम आवाज उठाएं। बिल्कुल। लेकिन ये जो तानाशाही सरकार है ना, ये चाहती है कि हिटलर शाही चलाकर और इन लोगों को दमन करके, अरे जब ये अपनी रैलियां करते हैं तब कहां जाती है इनकी क्या नाम COVID-19 की गाइडलाइंस? अब यहाँ पर अगर देश का नौजवान, देश का बेरोजगार अपनी अपनी डिग्रियाँ हाथ में लेकर दिखा रहा है कि मेरे पास ये डिग्रियाँ हैं और हमें रोजगार दे दो, तब आप कहते हो कोरोना आ गया बिहार में, जब पूरे देश लॉकडाउन में अपने घरों में बंद था उस समय तुम बिहार में रैलियाँ कर देते हो, बंगाल में तुम्हारी रैलियाँ चल रही हैं बड़ी बड़ी। जब भी देश में चुनाव आता है तब तो कोई कोरोना नहीं होता, लेकिन जहाँ मुद्दे की बात आती है, जब देश का नौजवान अपना अपनी बात करता है, अपने हक की बात करता है, तब आप लोग कहते हो कि क्या नाम कोरोना आ गया। अरे मोदी जी ने कहा था प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ रोजगार दे दूंगा, 7 साल हो चुके हैं, 7 साल के माध्यम से 14 करोड़ रोजगार मोदी जी हमारा खा गए, 14 करोड़ रोजगार। अभी तक किसान ये बोल रहे थे कि अब की गुजरात में चुनाव आएंगे तो बता देंगे, अभी नगर निकाय के चुनाव कल ही संपन्न हुए हैं, आपने देखा वहाँ कितनी सीटें आई? मीडिया की यही तो दिक्कत है, मीडिया ने गुजरात पे बात कर रही है, पंजाब पे मीडिया ने बात नहीं, पंजाब पे भी बात किया मैंने, पंजाब पे बात किया, पूरी तरह सुपड़ा साफ था पंजाब में, पूरी तरह सुपड़ा साफ था, और वहाँ आम आदमी पार्टी भी आई है, 27 सीटें ले आई है पंजाब। एक बार आप मेरे कहने से आप एक बार गुजरात जरूर जाना और वहाँ के किसानों की हालत देखना, वहाँ का किसान जैसे जिस प्रकार अंग्रेजों के समय था ना, वहाँ के किसानों की हालत गांव देहात में जाना, बड़े बड़े महानगरों में नहीं, वहाँ के किसानों की एक एक बीघा जमीन, एक एक हेक्टेयर सारी की सारी इन पूंजीपतियों के उसमें रखी है, वहाँ का किसान रोता है। अभी पता है क्या हुआ है, वहाँ से लगभग 15,000 किसान यहाँ आने के लिए चले, उन सभी के वे सभी किसान जेल में पड़े, वहाँ से पता नहीं किस प्रकार एक किसान ने आकर वहाँ की हालत में आ गई है। अरे वहाँ का किसान दमनकारी है, हमारे देश ने 300 साल हम कैद में रहे, तो इसका मतलब हम खुश थे क्या? तो जीत कैसे गई, इस पर भी विरोध करेंगे आप? जीत तो पूरे देश में गए लोग, पता है किस बात पे जीत गए? हिंदू और मुसलमान के नाम पर, आंदोलन के बीच जीत गए ना वो, आंदोलन हो रहा है पिछले, आज 90 डेज हो गए हैं ऑलमोस्ट, आंदोलनकारियों को तो जेल में डाल दिया ना, जो बताया ना राष्ट्रवाद की इस देश में भाषा बदल गई है, जो चापलूसी चाटुकारिता कर रहे हैं इन लोगों की, वे लोग ही सिर्फ इस देश पे क्या नाम राष्ट्रवाद है। राष्ट्रवाद की सही परिभाषा ये है कि इस देश में बिल्कुल मुखर होकर जो इस देश में गलत नीतियां हैं अपने देश हित में, जो राष्ट्रवाद राष्ट्र कहता है कि ये राष्ट्र के हित के प्रति सही है, हमारे देश के चाहे नौजवानों की बात हो, चाहे देश की बात हो, देश की सरहदों की बात हो, देश के किसान की बात हो, मुखर होकर चाहे वो उसमें देश की सरकार आपको कितनी भी अड़चने डाले, उस मुखर होकर आप आवाज़ उठाओ, राष्ट्रवाद कहता है। कुछ लोग यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन की आड़ में यहाँ पे नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, आपको लग रहा है ऐसा? किसान आंदोलन की आड़ में कौन नेता बन रहा है? बिल्कुल 50 लोग हैं यहाँ पर जो केवल चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पे अपना चेहरा चमकाने आए, इसके पहले नजर नहीं आए वो।
देखो उन्हें हमारा जो संयुक्त किसान मोर्चा है, हम संयुक्त किसान मोर्चा को जानते हैं, जो लोग ऐसे लोगों को आप भी ना पकड़ो जो यहाँ सिर्फ नेता बनने के लिए आए, आप उनसे बात मत करो ना, बिल्कुल जो बिल्कुल मीडिया जीवी है, आप ऐसे लोगों को देखो जो यहाँ निरंतर आपसे बिल पे बात करे, फैक्ट पे बात करे, किसान आंदोलन पे बात करे, देश पे बात करे, जो यहाँ बॉयफ्रेंड की बात करे, अपनी शादी की बात करे, रोने धोने की बात करे या इधर उधर की बात करे, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि आंदोलन सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब मीडिया के माध्यम से बचा है। मीडिया की जिम्मेदारी ये भी कि देश में जो हो रहा जैसे हो रहा एज इट इज आपके सामने रिप्रेजेंट करना, चाहे सरकार कर रही हो, चाहे किसान कर रहा हो, चाहे जनता कर रही हो, ना मीडिया सब कुछ दिखाएगा। अब आपको ये तय करना है कि आपको बोलना क्या है मीडिया में। भाई आपको एक बार बताऊँ, एक बार एक जंगल में आग लगी तो उसमें एक चिड़िया आई, वो पानी लेके जा रही थी और चोंच में वहां डाल देती, तो किसी ने पूछा भाई तो तेरी इस आग थोड़ी बुझ रही है, तो उसने कहा कि जब इस देश में इस जंगल के बारे में पता चलेगा कि ये आग बुझाने में कौन था उसमें मेरा नाम आएगा। तो यहाँ कोई व्यक्ति अपने आप फेमस होने के लिए आया हो या नेता बनने के लिए आया हो, चाहे वो एक घंटे के लिए अपना समय दे रहा है या पूरे दिन का दे रहा है, यहाँ से था या नहीं था, लेकिन वो अगर वो एक दिन का भी समय यहाँ दे रहा है तो उसकी आहुति हवन कुंड में है, वो इस किसान आंदोलन में किसानों के साथ है।